महाराष्ट्र में चुनाव तो हो गए लेकिन सीएम फेस को लेकर सस्पेंस छाया हुआ है। इस बीच चौंकाने वाली बात तो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 46 सालों में 9 नेता उप मुख्यमंत्री बने लेकिन उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री थे लेकिन वो क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे और अजीत पवार जैसे कई दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री बने लेकिन आज तक भी इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। साल 1978 में कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल की सरकार में नासिक राव त्रिपुड़े 3 महीने तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उसी साल शरद पवार ने अपनी सरकार बनाई तब त्रिपुड़े को पद छोड़ना पड़ा। पवार ने सुंदर राव सोलंके को उप मुख्यमंत्री बनाया। सोलंके 1 साल से ज्यादा इस पद पर रहे। 1983 में त्रिपुड़े के मुख्यमंत्री बनने की खूब चर्चा थी लेकिन वसंत दादा पाटिल ने फिर बाजी मार ली। 1983 में जब वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राम राव आदिक को उप मुख्यमंत्री बनाया। आदिक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो 1985 तक उप मुख्यमंत्री रहे। उनके भी कई बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो नहीं पहुंच पाए। महाराष्ट्र में पहली बार 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री बनाया। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी होने के मुद्दे को गर्मा कर एनसीपी का गठन किया लेकिन बाद में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। 1999 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना तो शरद पवार ने छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया। सुशील शिंदे और विलास राव देशमुख की सरकार में भुजबल उप मुख्यमंत्री रहे। साल 2003 में एक आरोप के बाद भुजबल को साइडलाइन कर दिया गया। फिर शरद पवार ने 2003 में विजय सिंह पाटिल को उप मुख्यमंत्री बनाया। शरद पवार ने 2004 में आरआर पाटिल को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। शरद पवार ने पहली बार साल 2010 में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया। अजीत अब तक पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं लेकिन सियासी समीकरण के चलते मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। साल 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। 2019 के चुनाव के बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना थी लेकिन उद्धव ठाकरे के अलग होने से फडणवीस चूक गए। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद शिंदे सरकार बनी, तब फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या फडणवीस इस मिथक को तोड़ पाएंगे, क्या वो उप मुख्यमंत्री से फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।